कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना। ये गुरु ग्रंथ साहब की जो पंक्तियां हैं वो हमें समझा रही हैं, जो कि इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें समझने की, कि जो हमको परमात्मा ने कपड़े दिए हैं, सुंदरता दी है, मकान दिया है, रहने को जो चीज़ें दी हैं, ये हमारी नहीं हैं। हमने एक दिन छोड़ के इनको चले जाना है। क्या रहना है हमारा? जो हमने बुरा किया है, जो हमने अच्छा किया है, वही रह जाएगा, जो बाकी सब चीज़ें चली जाएंगी। फिर भी इस कोरोना महामारी में लोग समझ नहीं रहे हैं। वो समझते हैं जो घर, जो बार, जो उनका है, वो उनका सदा ही रहना है। वो इसको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। कभी तो अंत आता है हर एक चीज़ का। आपको ये छोड़कर जाना है। ऐसा ही हुआ है पटियाले के सुखराम कॉलोनी, जो कि गुरुद्वारा के नज़दीक है, गली नंबर 2 में, जहाँ पे 3 परिवारों को सिर्फ किराया ना होने की वजह से सड़क पे छोड़ दिया है। सड़क पे ही उनका बिस्तर है, सड़क पे ही उनकी सारा सामान, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब बाहर निकाल कर उन्होंने फेंक दिया और जिंदे लगा दिए हैं। इतना ज़्यादा कठोर दिल होना अच्छी बात नहीं है। और आजकल के टाइम में, कोरोना के टाइम में, अरे कुछ तो देखो, परमात्मा का, रब का कहर तो पहले ही वर्त रहा है। आप क्यों और कहर का जुम्मेवार होना चाहते हो? भगवान से डरो। जब भी किसी को कुछ भी शेल्टर की ज़रूरत है तो दो। आप तो शेल्टर ले रहे हो, नहीं, अच्छी बात नहीं है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, पटियाला के तरलोचन सिंह ने, जो कि मकान मालिक है सुखराम कॉलोनी से, कैसे 3 परिवारों को बाहर गली में, खुले आसमान के नीचे, बच्चे बूढ़े बड़े सबको बाहर निकाल दिया है उनके सामान के साथ। हमने हेल्पलाइन को फ़ोन किया है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि वो उनकी मदद करेंगे। भला हो इन पुलिस वालों का। आओ देखते हैं वीडियो। हाँ देखो जी, पुलिस प्रशासन से मदद चाहिए जी। ये देखो मकान मालिक आया सी, इन्हों का जी अज किराया कुराया दे चक्कर इन्हों का समान कट के चले गए जी। लॉकडाउन होया पाया सी, किराया दे नहीं पाए, इन्हों का समान जी सारा कटता मकान मालिक ने। इन्हें बाहर बैठा था जी, धुप्पे बैठे गरीब बंदे, इन्हों की मदद चाहिए जी। किन्ने बजे समान कढ़िया थोड़ा जी? है 12 बजे कढ़िया जी। अच्छा जी, की कहता मकान मालिक? अच्छा जी, किराए तो जाओ। अच्छा, तुसी फिर की चाहते हो मदद? हम तुसी कित्थे बैठे? इत्थे धुप्पे बैठे जदे बेनती कर रहे साडी सुनाई करो। अरे देखो पंगले लुले है, असि मंग तंग के भी गुजरा करे, वो भी सानू नहीं करन देते है। हम कितने जावा, साड़ी असी दुआ मांग रहे आप, देखो सहायता करो, मदद करो। पुलिस देखो जी, ये बेचारे धुप्पे बैठे ने, बच्चे दे साथ फैमिली लेके, इन्हें मकान मालिक बाहर कट गए, धुप्पे बैठे जी। इन्हों 11 बजे कड़िया हुआ जी, देखो जी किन्ना टाइम हो गया, धुप्पे बेचारे बहुत परेशान हो रहे ने, बच्चे समेत। देखो जी, ये मांग तांग के टाइम पास कर दे सी जी। साड़ी सुनाई करो, माँ बाप है तुसी, साडे बाल बच्चे सारे धुप्पे भी सी सजा दे रखे मालिक नू, हैं हुण वो कह के गया तुसी किराया दे दे, नहीं किराया देंदे तो बाहर कढ़ो साडे सामान, बाहर कढ़े जिंदा ताला मारिया, मंजा भी साडे तोड़ तोड़ के चले गए। हुण सानू मदद दिओ, सानू सरकार मदद दिओ, आ के नहीं मदद देते तो सानू सारे नू फूंक दिओ, आग लगा दिओ, असी मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे, साड़ी कोई सुनाई नहीं है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੰਜਲੀ ਮਹੰਤ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ? ਸੁਖਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਜੀ, ਸੁਖਰਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਗਲੀ? 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा जी, दो नंबर गली। हाँ जी, की होया तुहाडे नाल? तुसी तुहाडा अपना घर है कि किराए ते रहने हो? असी जी किराए ते रहने हैं, साल डेढ़ साल हो गए रहने नूं। अच्छा जी। चल कोरोना वायरस दा ये नहीं हैगा सी, उस टाइम असी किराए भी दे दिंदे सी, बिजली दे बिल भी टाइम ते दे दिंदे सी। बिल्कुल बिल्कुल। जिहदे करके असी आ कोरोना वायरस करके थोड़ा जिहा औखा हो रहा, रोटी भी नहीं पकदी, टाइम पकदी उस टाइम नहीं थी। तो अज मकान मालिक आया सवेरे सवेरे आके कुछ नहीं बोला, किराया कहिंदे किराया दो। मैं बोली सर किराया दे दूंगी, भी आ कोरोना वायरस दा लॉकडाउन हटने दे। उन्हें कुछ नहीं गल मनी जी, मेरा सारा समान करता है फैमिली से, इन्हां सारिआं नूं बाहर कर दे। अच्छा, तुहाडी फैमिली है? हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा की नाम है? कृष्णा। तुसी भी इत्थे सुखराम कॉलोनी रहने हो? हाँ जी। अजी तो खुद भुखे मर रहे, अजी बड़े दुखी हो रहे, सानू बाहर कढ़े सारे बच्चे देख। नाले तुसी कंप्लेंट कराई सी कोई? नहीं जी, हम तो पहले बार सारे हाथ जोड़ के हमारी सहायता करो करीब। अच्छा, थोड़े हाथ जोड़न के बावजूद भी मकान मालिक ने थोड़ा समान कढ़ दिता, जिंदे लाते घर नु ताला लगाता? हां जी, आपके कमरे हां दोनों कमरे रे ताला लगाए जी। अच्छा, ते तुसी प्रशासन तो की चाहंदे हो? सानू मदद दे करो सरकार, ऐसे साडे तो कोई किराया नहीं, कोई मकान नहीं, ऐसे किथे जाओ। मकान मालिक दा नाम की है? त्रिलोचन सिंह, पता नहीं त्रिलोचन सिंह है जो नाम है जी, सरदार त्रिलोचन सिंह। हाँ जी हाँ जी। की नाम है? त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह। अच्छा, जो तुसी किराया ना देने लई कहा, तुसी वैसे तो पता ही है अजकल सब नू पता है भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन दे विच तां कोई किराया मंगण दा मतलब नहीं, क्योंकि सरकार ने प्रशासन ने खुद अलाउड कर दिता है भी की कहने हैं, लॉकडाउन दे विच कोई किराया नहीं ले सकता, कोई बिजली का बिल नहीं ले सकते। फिर भी मकान मालक ने प्रशासन तो उपर वध के ये गल करी है, तो थोड़ा समान कढ़ के बाहर सीट दिता है, तो होर दसो तुहानू होर कोई गल कही है? और कहते जाओ इतने निकलो, कहते असं नहीं रखते जी, सारा दिन हो गए धुप्पे बैठे ने जी, जिंदे लाए हुए ने, असं किधर जावा। अच्छा, केड़ा कमरा सी तुहाडा जी? एक आ कमरा सी जी, एक और कमरा सी, जिंदा लाता। देखो जी, मकान मालक ने सुखराम कलोनी गली नंबर 2 दे विच गुरुद्वारे दे कोल, ठीक है ना, बेचारे गरीब किराएदारा नूं बाहर कढ दिता, अते की कहने हैं कमरिया नूं ताला लगा के चला गया, तो समान इन्हां दा बेचारिया दा बाहर सुट दिता है। आ देखो, मंजा भी तोड़ दिता है, तो नाले इन्हां नूं धमकी दे के गया है कि जे तुसी कमरा ना खाली किया तो फिर की कहने चंगी गल नहीं है, तो इन्हां दा बेचारिया दा समान सारा बाहर सुटिया हुआ। देखो जी, समान की हालत कैसी करती है, तो आ देखो आ बेचारे गरीब किराएदार जो कि बेचारे बाहर बैठे हैं, सारा दिन हो गया धुप्प च भुखे पाने बाहर बैठे ने। आ मकान मालक का नाम त्रिलोचन सिंह है, सुखराम कलोनी, जिसने कि कहने गरीबों के उत्ते कैसा कहर ढाया, तो प्रशासन तो मंग करते ने कि सानू मतलब इंसाफ दिता जाए, तो कि कहने असं कितने जाइए, ये गरीब ने, इन्हां दे घर एक टाइम का राशन बनता, एक टाइम का नहीं, ठीक है ना। तो चलो गरीब ने, अजकल तो प्रशासन ने खुद की कहने हैं ऐलान किया है, मोदी सरकार जी ने ऐलान किया है भी हाँ किराएदार मकान मालक किराएदारा तो किराया नहीं लै सकते, पर की कहने किराएदार ने इस किराएदार ने तो हद ही कर दी। देखो किस तरह इन्हों का बेचारिया का समान बाहर सुटिया होया, तो किस तरह इन्हों बेघर किया है, तो तुम हूँ प्रशासन तो की चाहते हो? असं आ चाहते हैं जी, सानू साडी मदद करो जी, असं कित्थे जाइए, कित्थे नहीं, लॉकडाउन होया पै जी। बिल्कुल, कोई कमरा नहीं, कमरा दवा दे ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ 1200 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। देखो किस तरह मकान मालक ने किस तरह अपनी हैवानियत दिखाई, एक 1500 रुपये पिछे गरीब परिवार को बेघर कर दिता है, तो इस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए है। सो पर चलो, ये कोई ऐसा गिरया होया इंसान है जिसने काम किया है, तो प्रशासन तो यही मंग करते हैं कि इन्हों इंसाफ दिलाया जाए, तो इन्हें बनती कार्रवाई की जाए। मकान मालक त्रिलोचन सिंह सुखराम कलोनी, आ देखो इसने किसने किन्ने ही कमरे किराए पर चढ़ाए हैं। हाँ जी, तुसी भी किराए पर रहते हो?
मांग रहे किराया। अच्छा, आपसे भी किराया मांगा है? हाँ, बोल रहे कि किराया दो, नहीं दो तो महीना हो गया। तो हम बोलने कभी हम क्या किराया दें, अभी तो काम कर चल नहीं रहा है। तो कहता है कि दो महीना हो गया, अब यहाँ से किराया अपने दो किराया हम यहाँ से दी। बताओ दीदी क्या नाम है आपका? हमारे सुबह कुमारी। अच्छा, अभी किराए पे रह रहे हो? कितने महीने हो गए यहाँ रहते? 6 महीना। कितना किराया है? 1300 रुपया। 1300। अच्छा, आपसे भी बोल कर गया है भी कमरा खाली कर दो अगर किराया नहीं दोगे। ओके, ठीक है। हाँ देखो जी, किस तरह इन इन्हों का बेचारियों का समान किस तरह बेअदबी नाल सिटिया होया है, ते बेचारे बेड़े दे विच बैठे हन। ये बेचारे हुण की करन, कित्थे जान? ये बेचारे सरकार तो ही मंग करते हैं कि की कहने हैं सानू, की कहने हैं साडा इंसाफ दिता जावे। पटियाला से सरोज महंत की रिपोर्ट, बुलंद टीवी।